अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक सेहतमंद नाश्ता जो है उसे दिन भर की अहम ग़िज़ा समझा जाता है। नाश्ता छोड़ना ना सिर्फ आपके वज़न में इजाफे का बायस बनता है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी याददाश्त को भी कमज़ोर कर सकता है। तो सुबह के नाश्ते के लिए एक उबला हुआ अंडा बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। तो आइए आपको अंडे के फ़वाद और सुबह खाली पेट उबला हुआ अंडा नाश्ते के तौर पर लेने से क्या क्या फ़वाद हासिल होंगे, इसकी कुछ तफसील हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रोज़ाना एक अंडा खाने के बेशुमार फ़वाद हैं। सुबह निहार मुँह एक उबला हुआ अंडा खाने से पूरा दिन इंसान चुस्त और तवाना रहता है, और इसके अलावा भूख का एहसास भी नहीं होता। और इसके साथ साथ रोज़ाना एक अंडा आपका वज़न कम करने में भी मुफीद साबित होता है, क्योंकि अंडों में कैलोरीज़ की मकदार बहुत हद तक कम होती है। इसके अलावा अंडों में मौजूद प्रोटीन जिस्म में ज़रूरी अमाइनो एसिड को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि अंडों में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म के अमल को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अंडे में कैलोरीज़ कम होती हैं, इसकी जो जर्दी है इसमें सिर्फ 80 कैलोरीज़ होती हैं। इसलिए अगर आप अपना इजाफी वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने नाश्ते में 2 से 4 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में 240 से कम कैलोरीज़ होती हैं, और इसके साथ साथ अंडों में ऐसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी आँखों की बेनाई बेहतर करने में बहुत हद तक मुफीद साबित होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आँखों की बिनाई को अल्ट्रा वायलेट शुआओं से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा ये कम उम्र में मोतिया होने के इम्कान को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अंडों में विटामिन और मिनरल्स की एक बेहतरीन मकदार पाई जाती है, जो दिमागी खुलियात, यादाश्त, आसाबी निज़ाम और मेटाबॉलिज्म के निज़ाम को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, अंडे प्रोटीन का पावर हाउस माने जाते हैं। इसकी जर्दी में जिंक और सिलीनियम होता है। ये दोनों मादनियात कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे अंडों के फ़वाद। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह खैरा।